पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यातायात सप्ताह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा फवारा चौक पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आरटीओ ने टीम बनाकर चेकिंग की और दर्जन भर से अधिक वाहन चालकों के चलान, साथ ही जुर्माना भी वसूल किया और लोगों से अपील की हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो वहीं यातायात पुलिस ने लोगों को पंपलेट बांटा तथा लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराया। TSI ने बताया कि ये अभियान सप्ताह भर चलेगा और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा। सप्ताह चल रहा और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए हमारा एक प्रयास है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। जो सड़क दुर्घटना के कारणों का अध्ययन किया गया है, उसमें से एक कारण जो है देखा गया है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से भी बहुत सारे लोगों की जो है सड़क पर जो है मृत्यु हो रही है। उसी क्रम में आज हम लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं और हमारे पूरे संभाग में चल रहा है। कार्यक्रम आधा घंटा पहले शुरू हुआ है, अभी तक चलेगा और शाम को भी चलेगा, तो मैं अभी एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता। अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा हमारा, अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो नशे के हालत में गाड़ी चला रहा है। सर और किन किन चीज़ क्या पेपर भी चेक किए जा रहे हैं? कोई गाड़ियों का पेपर भी चेक किए जा रहे हैं, अगर कोई कमी पाई जा रही है तो उनके चला रहे हैं। कब तक ये अभियान जारी रहेगा? ये हमारा दूसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह 4 फरवरी से 10 फरवरी तक लगातार चलता रहेगा। ये हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा भी हम साल भर कुछ ना कुछ रोड सेफ्टी के लिए कार्यक्रम